कोरोना के कारण पिछले 5 माह से बंद चल रहे कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल सोमवार से खुल गए हैं, लेकिन स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत ही कम देखी गई है। स्कूल आने वाले सभी छात्र छात्राओं को थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर से हाथ धुलवाकर अभिभावकों की सहमति पत्र दिखाने के बाद स्कूल में प्रवेश दिया गया। शहर के सभी सरकारी निजी विद्यालय खुलते ही छात्र छात्राएं पहुंचने लगे। इस दौरान लंबे अरसे बाद सभी एक दूसरे से हालचाल पूछा और पढ़ने के लिए अपनी अपनी कक्षाओं की ओर बढ़ चले। स्कूल आने वाले सभी छात्र मास्क लगाए हुए थे। इस दौरान शिक्षकों ने उनसे पहले जल्द से जल्द अधूरे पाठ्यक्रम को पूरा करने को निर्देशित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एमपी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह और जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया ने कहा, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आज विद्यालय के छात्रों को बुलाया गया था, जिसमें 9th और 10th के बच्चों को फर्स्ट मीटिंग में मैंने बुलाया था, सेकंड मीटिंग में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को बुलाना था, लेकिन पीजीटी की परीक्षा कल होने से फर्स्ट मीटिंग के बच्चों को बुलाया गया था, सेकंड मीटिंग के बच्चों को नहीं बुलाया गया था, जिसमें जो हमारी आज की उपस्थिति रही जितने बच्चों को बुलाया गया तो उसमें से लगभग 30% बच्चे जो है प्रथम दिवस होने के बावजूद भी 30% के करीब हमारी उपस्थिति जो है आज रही, और बच्चे सारे मास्क में आए थे और जो कोविड गाइडलाइन का पालन हुआ, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था, सैनिटाइजर, कमरों को सैनिटाइज कराने की व्यवस्था, ये सब पूर्ण कर ली गई है। और सेकेंड मीटिंग इसलिए जो है नहीं बुलाया गया क्योंकि पीजीटी की परीक्षा कल और परसों 2 दिन है, तो उसकी तैयारी करनी थी तो उस तैयारी में हम लगे हुए हैं। कल की मेरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है पीजीटी की, परसों की तैयारी अभी चल रही है, परीक्षा विभाग के लोग जो है अपना काम कर रहे हैं। कुछ छात्र ऐसे भी है और अभिभावक ऐसे भी है जो विद्यालय भेजने से, विद्यालय आने से या बच्चों को विद्यालय भेजने से थोड़ा घबरा रहे हैं, तो क्या कहेंगे उन अभिभावकों से, बच्चों से कि यहाँ पूरी व्यवस्था है इसके अलावा? नहीं, देखिए थोड़ा घबराना स्वाभाविक है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि ये कोविड प्रोटोकॉल अगर ऐसे ही रहेगा तो शिक्षा व्यवस्था पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, तो इसी के साथ हमको ज़िंदगी जीना शुरू करना पड़ेगा। कब तक हम घरों में बैठे रहेंगे? अगर घरों में बैठे रहेंगे तो हमारे बच्चों से पिछड़ जाएंगे, तो उन अभिभावकों को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यालय भेजना चाहिए, प्रॉपर तरीके से मास्क लगा करके आएँ, अपने पास सैनिटाइजर रखें कि जब भी ज़रूरत पड़े थोड़े थोड़े समय पर हाथ धोते रहें, अगर हाथ धोने की व्यवस्था नहीं मिल रही है तो हैंड को सैनिटाइज कर लें और मास्क जो है पूरे समय तक लगाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जनपद का लगातार मैं भी 5 विद्यालय देख चुका हूँ और उच्च अधिकारी जो हमारे हैं वो भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। आज पहला दिन था, बच्चों की उपस्थिति कम पाई गई है, कुछ अव्यवस्थाएँ थी उसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कहीं पर कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं मिला हमको जहाँ पर बंद मिला हो या सैनिटाइजर्स की व्यवस्था न की गई हो या COVID-19 के डायरेक्शन का पालन नहीं किया गया हो। सारे जो बच्चे पाए गए हैं उनका बाकायदा अभिभावक का लिखा हुआ पत्र भी मैंने पढ़ लिया है, सब पालन हो रहा है।